Assalamualaikum, Pikki family. What's up? Hope you all are doing great. And well, so my beautiful family, welcome back to our YouTube channel and welcome back to our another amazing vlog. So yes, guys, first of all, subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. जिससे होता है हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोस और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे. So yes, guys, हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर. एंड होप सो गाइस वॉच और रिसेंट व्लॉग में देखा होगा यार, हम लोगों ने सिंग आउट किया था, बहुत मजा आया था. बारिश हो गई थी लेकिन बहुत मजे का व्लॉग था. स्टिल वो व्लॉग नहीं देखा था, जो जल्दी से देखो, बहुत मजे का व्लॉग था. ओके सो गाइस, आप लोगों को बताते चलते भाई आज का व्लॉग क्या होने वाला है. आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल आज तक वॉच करना. डेयर डे पे आप सवाल जी जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हो मैं सब आपके रीड करती हूँ और आप लोगों को रिप्लाई भी कर रही हूँ. सो गाइस, आज है जी संडे. हम लोग उठ के कल के स्नीक आउट के बाद मैं इतना थक गई थी घर आके, मुझे व्लॉग एडिट नहीं हुआ था. स्नीक आउट वाला वाली जिन्हें एडिट किया था और उसी ने अपलोड किया था. मैं ब्लॉग एडिट करते करते टर्न हो गई. उसके बाद लाइट का मसला, लाइट चली गई, मुझे इतनी गर्मी लगी, मतलब बस इसी तरह. और मैंने कहा चलो यार अब मेरी रूटीन भी एक तरह सही हो गई है स्नीक आउट के बाद. तो बस फिर आज संडे, अभी सुबह के टाइम हम लोग उठ गए हैं. गर्मी वैसे ही शदीद, हाँ मतलब कि मौसम एक दफा सही हुआ बस, वैसे अब गुरुवार गर्मी हो गई है. ठीक है, अलाबा मैं और सारा उठ गए हैं. ठीक है, और ये लोग तो उठे ही हुए हैं. और आज आपको चीज ने मोहम्मद पहले कहा कि भाई आज संडे आप लोगों ने सफाइयाँ करनी, क्योंकि आज मेट की छुट्टी है. ठीक है, लाइक जो हेल्पर आती है उन्हें आज कोई काम नहीं करना, आती ही नहीं वो बल्कि. ठीक है, तो हम लोगों ने काम देखा, तो हम लोगों ने क्या काम करना है, हर कमरे में ना कपड़े गिरे हुए हैं, लोगों ने फेंके हैं, उतारते हैं, वो फेंकते हैं उतारते हैं, वो पता भी नहीं चलता कि धोने वाले कौन से हैं और जो साफ है वो कौन से हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं जी. मैंने भी बहुत ज्यादा कपड़े सबसे ज्यादा गंद मैं फिलाती हूँ, मतलब कपड़ों का लाइक उतार के, तो वो उधर फेंक दी, इधर फेंक दी. तो साथ वाले कमरे मैंने बहुत रखे हुए हैं. इधर इस रूम में देखो टेबल भी, मतलब कौन रखता है भाई ऐसे, यहाँ भी कपड़े पड़े हुए हैं. कल के शूज उतार के हम लोगों ने बाहर रखे हुए हैं, तो ये सब कुछ जरा सेट सूट साफ सूफ करना है. सो यस, बागिए फटाफट. अच्छा मेरी बात सुनिए, सबसे पहले चलते हैं हम लोग ऊपर. ऊपर चार भी पड़ी हुई है, मामा ने कहा ऊपर रख खड़ा हो. चल जूता पहन जल्दी से, मैं गर्मी में भाई बाल खोल रहा, मैं व्लॉग ना रही, वो तो मुझे नजर नहीं आ रहा. चलो ऊपर मेरे साथ आओ जल्दी से, लेट्स गो. गाइस हम चलते हैं जी ऊपर. अगर जो लड़की यहाँ एक्टिंग कर रही है सोने की, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ही रहो, हम लोग ऊपर जाए, लेट्स गो. मामा ब्रेकफास्ट बना रही है, मामा बना दे, मामा मिले आपने वो बनानी है चूड़ी, आपने कहा मुझे. ओके, मामा मेरे लिए चूड़ी बना रही है. और ये हमने कल के शूज़ भी हैं तोड़ के फेंक दिए हुए हैं. नहीं मामा ने मुझे दिखा है कि मामा के दिखा लो, मैंने कुछ भी बना दे. मामा ने फिर बड़ी बात है, मामा ने मुझे कहा कि स्पेशल तुम्हारे लिए चूड़ी बना रही है. कौन कौन चूड़ी खाते ये भी बता. हाँ हाँ बहुत प्यार. अच्छा ऊपर हवा भी चल रही है हल्की हल्की और धूप भी फुल तेज निकली हुई है. ये बड़ी मैं इंतजार पे, हम लोगों ने दिनों अंदर करनी है. ये वाली मैं करूँगी, बाकी वो दो तुम करो. क्या एक्टिंग कर. हमारे ऊपर एक वॉशरूम भी है, मैंने वहाँ चारपी खड़ी कर दी. ये यूज़ नहीं करते वॉशरूम कभी कभी, बहुत ज़्यादा एमरजेंसी हो तो फिर लेमन चारपी तो खड़ी कर दी गई थी, मैं अंदर नहीं खड़ी. मैंने कॉक किया भाई हम लोग चलते हैं उसके बाद नीचे. नीचे जाके थोड़े कपड़े वगैरह का जो गंदा है वो साफ़ करने हैं हम लोगों ने. सारे कपड़े वगैरह सेट करने हैं और हैंग भी करने हैं, पापा की शर्ट्स वगैरह भी, वो भी कोई हाल नहीं लाइबा, लाओ मैं कर दूँ. तुम्हारे बस की बात नहीं है, गर्म तो नहीं है लगा जी, तुम एक्टिंग कर रही हो. ये देखो कितने आराम से उन्हें पकड़ भी दिया. चलो बस आ जाओ, दोनों कट्ठे खड़े रहो, भाई भी आ गया शायद. चलो आ जाओ, मैं भी तो बंद कर दो, गर्मी बहुत है, बंद कर दो. भैया आप उधर अकेले अकेले बाहर से हो गया, अगर हमें आपने बुलाया भी नहीं है, मतलब सही हो गया, खुद ही घूम फिर रहे हो, हमें भूल ही जाते हो. और अगर यहाँ भी कपड़ों का बहुत ज़्यादा गंद हुआ है, हैंगर ले कहते हैं और इस सर हैंग करो कपड़े. ठीक है, तो गाइस हम लोग सबसे पहले ये रूम साफ कर ले गए हैं. बेडशीट ये हम लोग हैं, इससे इतनी मोटी बेडशीट है ये, तो बस इसको सेट कर सकते हो. जैसे दिन आज दोबारा वापस तो बेहतर दो तीन बड़े बड़े बैग शॉपर वगैरह पड़े हुए हैं, हम लोगों ने इसको उठा के वो ऊपर फेंकना है. ये हम लोगों ने कब निकाला, जब हम लोगों ने एक सदी में ट्रिप जाना था जी नारायण के गान, तो तब के निकाल के रखे हैं, तो इनको उठा के ऊपर फेंकना है. ठीक है, यार ये स्नीक आउट ज्यादा बड़ा हो जाएगा. ठीक है, फिर माँ बाप से ही ना बिल्कुल. चलो मेरे साथ उठा गई ऊपर को, शाबाश है कि उन्हीं जगह तुम्हें दिखाती हूँ. ओके जी, मेरा बैग है, ये अगस्त में काम आएगा क्योंकि अगस्त में हमारी क्लासेस लग रही हैं. ठीक है, नहीं मामा ने कहा इसको भी अंदर रखो, ये मैंने ऊपर से नीचे फेंक के मैं, तो मामा ने कहा भी अंदर रखो, तो तुम हेल्प करो ना मेरी, बदतमीज बहन है मेरी. यार हम लोगों में इतनी जान नहीं थी, हम लोगों ने ऊपर नहीं रखा, हम लोगों ने यहाँ ही फिट कर दी, हम लोगों ने नहीं बल्कि फिजा में. ठीक है, तो हम लोग इसको बंद करते हैं
और अब इनका प्रोगा उठाते हैं और इस गंग का भी। चुप कर पे कुत्ते। ओके सो गाइस, ये ना ड्रेसिंग भी बिल्कुल थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं क्योंकि पापा का रूम है, मतलब बहुत कम जो पापा की यूज़ की चीज़ें हैं वो भी पापा हमारे रूम में पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से निकाली है, ये पापा की पिक्चर पड़ी हुई है, लेबा यहाँ कपड़े वगैरह हैंग कर रही है, लेबा मूर्छी वाले कपड़े क्यों हैंग कर रही है। ठीक है, तो मामा मुझे बुला रहे, मामा कहते हैं मैंने तुम्हारी चूड़ी दो दफ़ा गर्म कर ली, जल्दी आओ और खा लो, तो इसलिए मैं हैंड वॉश करके चूड़ी वगैरह खा लूँ, तुम तो बस यहाँ कपड़े करो। हम आ गए हैं जी किचन, मामा ने यहाँ मेरे लिए बहुत ही मजे की चूड़ी बना के रखी हुई है, और उसी के साथ जैसे हम लोग का स्नीक आउट किया, हम लोगों ने बाहर से खाना खाया, मामा ने बनाया था जी चिकन कोरमा, क्योंकि मटन खा खा के मामा खुद ही कह रहे थे कि सब लोग थक गए, तो बस अब मामा ने चिकन कोरमा बनाया, मैं अपनी चूड़ी बना खा लूँ, बाकी साथ मामा पराठे बना रही है, जिन लोगों ने पराठे चिकन कोरमा के साथ, मामा मैं थोड़े चिकन कोरमा भी खाऊंगी। ओके, मैं चूड़ी खा लूँ। चिंटू मिंटू ने बहुत तंग किया, मैं बहुत बोलने लगे, मैं सारा बैठ के आराम से वीडियो वीडियो देख के मुझे गर्मी लग रही थी, मैं अंदर आके खाने लग रही हूँ। बताओ कमेंट सेक्शन में भाई चूड़ी कौन कौन खाता है। गैस ये कप सिपर टाइप है, ऐसे दिखता है, ये मैं कल लेकर आई थी, ये मैं लैबा को दे दूँ, पलट पी लो लैबा, पकड़ो लैबा, संभाल के रखो मेरे सिपर को। Much, much, much later. So, जी गाइस, ये वो कपड़े पड़े हैं जो गंदे हैं, वॉश करने वाले, अब तुम भी इधर आ जाओ, तुम्हें भी इसके अंदर फेंक दूं। इसे हम लोग बस इस बास्केट में रख लें, बाद में फिर जो कपड़े हैंग करने वाले दोबारा करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। क्या बोला तुमने, सारे सारा क्यों मेरे कपड़े पड़े हैं बस वहाँ, तो कहीं मैंने सेट कर दिया, हम लोग जाकर वो करते हैं। भाई साहब बहुत गर्मी हो गई है, बहुत गर्मी हो गई है, और ये जो कपड़े इनको दोबारा हम लोग हैंग कर रहे हैं और इनको उधर रखेंगे। और गाइस ये सारे कपड़े सारा के अंदर, कुछ कुछ मेरे भी हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहे गाइस, लग रहा है कि वापस हैंगर ही कभी भाई वाले ने हैंगर कभी नहीं, इतने कपड़े उसके बाद जब दौड़ते सब लोग हैंगर थे ना, इतने ज्यादा हैंगर लगा रखे हैं, मैं वो हैंगर को ये लो, और भी अगर आप और चाहिए तो बताना, हम बोल देंगे। गाइस मैंने खाली कर दिया, अब मैं मुझे अपने घर जाना है। Much, much, much later. So guys, ये जो ड्रेसिंग है हल्का फुल्का होगा जी सेट, इसमें थोड़ी बहुत चीजें हम लोगों ने सेट करनी होती है, थोड़ी देर बैठ के हवा खा रहे हैं, मतलब अभी इतना सा काम किया हम लोगों ने और साथ ही गर्मी से पसीने से भर गए हम लोग। ठीक है, यहाँ लेबा ने कपड़े वगैरह हैंग कर लिए हैं, तो ये हम लोग बाद में जाके हैंग करते हैं स्टोर रूम में, अभी हवा लेते हैं। वैसे तो काम कर रही है फाइनली, अब अब मैंने सही कर दिया, ड्रामा ना करो आप। ओके मजा आया। कुछ उठा कर ऐसे लाई थी जैसे इसने एक दफा में ही हैंग कर लेने। Much, much, much later. मामा ने मुझे कहा कि फिजा चाय बना कर लो, मैंने कहा मामा जी गर्मी में चाय कौन पीता है, लेकिन मामा को भी हम चाय बना के देते हैं। चाय बना के देते हैं। मैं बना रही थी मामा के लिए बहुत मजे की चाय, चाह मामा के लिए आज मैं काफ़ी देर बाद चाय बना रही हूँ। ठीक है, लाइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मैं चाय बना रही हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर यार, चाय की खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। बस अच्छी सी चाय बन जाए, साथ बिस्किट वगैरह रखेंगे और मामा को सर्व करेंगे, क्योंकि यार हमारी मामा जान भी तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट डिजर्व करती हैं, इतना हमारे लिए काम करती है, अब हम उनके लिए चाय नहीं बना सकते, हम उनके हाथ पाँव नहीं दबा सकते उनकी खुशी के लिए, तो बस ये बनाते हैं मामा। शिट बस बस इसीलिए मैं मामा के लिए कुछ करती थी भाई, ये देखा साफ कर लो, क्योंकि हमारी मामा भाई इतनी गर्मी में मार ली है, नाश्ता वगैरह बना के गई हैं, तो हम लोग चाय नहीं बना के दे सकते। ये बताओ ऐसे ऐसे कौन कौन करता है चाय कराने वाली। 2000 years later. कुछ गैस मामा यहाँ बताम छील रही थी, लगभग खा लो मैं बस दिमाग कम है, पहले थोड़ा नीचे पकड़ो, हाँ मुझे भी मुझे दे थोड़े से, मेरी चाय जल जानी है, मेरी चाय जल जानी है, जल्दी दो इधर, जिनका दिमाग कम है वो मेरी तरह खा रहे हैं। तो गाइस हमारी हो गई जी चाय रेडी,
हमारी चाय रेडी हो गई है। मैं जाकर मामा को देती हूँ, मैं दूध पत्ती बनाती हूँ। सर मैंने अगर पीने में मैंने अपने पेपर्स जब मेरे थे ना एग्जाम्स, तो मैंने बहुत ज़्यादा चाय पी थी। चाय नहीं बल्कि दूध पत्ती जिसे कहते हैं, मैंने वो बहुत ज़्यादा पी थी। लेकिन मामा को चाय ही पसंद है, तो मैं मामा के लिए चाय ही बनाई। मामा ने बिस्किट नहीं खाना, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी दे देते हैं। मैं मामा को चाय देख करता तो फिर देखता हूँ क्या करना है। क्या हुआ, इसमें पानी डाल दो, मैं ले आती हूँ। 2000 years later हेलो, ओके सो गाइस, मामा को बताती चलती भाई, मतलब लाइट चली गई थी, इसको मैंने आके व्लॉग कंटिन्यू करना था, बट लाइट गई, मैं बस ऐसे ही फिरती फिरती जाकर कौच पे बैठी, वहाँ जाकर सो गई। ठीक है, और अभी मैं उठी, मुझे तो पता चल रहा होगा भाई कि मैं अभी भी सो के उठी हूँ। स्टार्ट करो। तो लिटरली आई वाज वेटिंग कि भाई कब लाइट आएगी, मैं उठ के आगे से मतलब व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, लेकिन आई नहीं थी। तो बस इसी तरह आज का व्लॉग हमारा खत्म होता है जी, और मिलता है आप लोगों ने बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। मैं ढेर ढेर रखो, दुआ में याद रखो। एंड यस गाइस, होप्स आप लोगों का आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मतलब पता चल गया आप लोग सब्सक्राइब, कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं और कितने लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सो यस, मिलता आप लोगों को बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। मैं ढेर ढेर रखो, दुआ में याद रखो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।